नमस्कार दोस्तों। सो SBI की बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 500 के नीचे है, ये 486 रुपीज़ में है दोस्तों। 33% की गिरावट है और जो लो बनाया है 477.50 बनाया है, 500 के ऊपर ही कारोबार कर रहा था। और PSUs बैंक एक तरह से देखिए ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही थी, बट आज एक बड़ी गिरावट रही है मार्केट में। रिलायंस की जो खबर थी तो रिलायंस गिरा और भी जो ब्लू चिप स्टॉक्स थे और स्टॉक्स में मुनाफा वसूली रही, बियर्स हावी रहे दोस्तों आज। अब इतनी बड़ी गिरावट होगी तो एक तरह से स्टॉक देखिए उसमें फिर जिनको प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो भी मुनाफा वसूली करते हैं और जो इंट्राडे करते हैं कुछ शॉर्ट करते हैं तो स्टॉक्स में फिर गिरावट रहती है। और SBI में काफ़ी ट्रेडिंग भी होती है और PSUs बैंक एक तरह से फोकस में भी हैं। और ये अगस्त के महीने में भी देखा होगा कि 60-70 पॉइंट की गिरावट आ गई थी, 400 तक आ गया था, तो अब की बार भी देखें नीचे की तरफ आया है। तो शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं, दिग्गज बैंक है और हैवीवेट बैंक है PSUs में। जैसे कि Q2 का जो रिजल्ट था बेहतरीन था दोस्तों एक तरह से, इसीलिए स्टॉक भी देखिए 542 तक गया था। आज जो गिरावट हुई है, एक बड़ी गिरावट हुई है, तो इसमें बड़े बड़े स्टॉक भी धराशायी होते हैं। तो आगे की बात कर लेते हैं और शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे दोस्तों। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, SBI का। आज इसमें गिरावट रही, 500 के नीचे क्लोजिंग आई है, ओपन हुआ था 506 और हाई भी 506 रुपया बनाया है, लो है 477.50 और क्लोजिंग है 486.40। तो 486 में इसकी क्लोजिंग आई है और ऊपरी लेवल से एक तरह से फिसला आई है, 542 से मुनाफा वसूली हुई है इसमें, बीच में ऊपर की तरफ गया है, देखिए ग्रीन कैंडल है, बट आज एक तरह से बेरिश कैंडल है। 500 के नीचे क्लोजिंग है तो जो इंट्राडे कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 477 का, उससे पहले ये कि दिन का ओपन हाई और लो कहाँ पे है उसके अनुसार भी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आज का इसका 477.50 लो है तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए जो दिन में कारोबार करते हैं, और ऊपर की तरफ 495 के ऊपर अगर निकलता है तो 500 का इसका हर्डल रहेगा, 500 का हर्डल रहेगा। 500 के ऊपर स्टॉक जाता है तो 506, और 506 के ऊपर जाएगा तो लगभग 510 और 512 तक जाता हुआ दिख सकता है इंट्राडे में। जो डिलीवरी में कारोबार कर रहे हैं, जो ट्रैप हो गए हैं, अगर मार्जिन में नहीं है तो होल्ड करना चाहिए। स्टॉक अगर 477 से नीचे की तरफ आता है, 470 के नीचे की तरफ कारोबार करता है, 460 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। इसका जो 460 का प्राइस था 6/10/2021 को था, अक्टूबर के स्टार्टिंग में, और उसके बाद एक अच्छी तेजी आई थी, तो यहाँ तक आता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा अगर पैनिक सेलिंग होती है इसमें तो वो एक तरह से बाइक का मौका होगा दोस्तों। स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ जाएगा बट जो तेजी आएगी इसमें लगभग 516-520 के ऊपर क्लोज होगा, तब इसमें एक तेजी आएगी दोस्तों। और SBI का जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में बना हुआ है और इस तरह की गिरावट SBI में आती रहती है। जैसे कि इससे पहले भी आपने देखा होगा, अगर आपके पास SBI का स्टॉक है, 8/4/2021 को ये ऊपर की तरफ था, लगभग 465 के आसपास एक गिरावट आई, नीचे की तरफ आया, लगभग 400 तक आ गया था। तो उसी तरह से यहाँ पे दिख रहा है, अगर नीचे की तरफ स्टॉक आता है तो बाइंग आ जाएगी इसमें, लगभग 460 या 440 उसके आसपास तक आता है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग आ जाएगी। और जिनके पास SBI नहीं है तो SBI को ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों, बड़ा बैंक है, हैवी वेट है, PSUs बैंक का समय लग सकता है ऊपर की तरफ जाने में। 477 को होल्ड नहीं करता है, 470 को होल्ड नहीं करता है, 460 से 440 तक आता हुआ दिखेगा और वो मौका होगा दोस्तों। तो ये जो आज का चार्ट बना हुआ है उसके अनुसार है दोस्तों। मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।